हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर टॉर्च को इस्तेमाल करेंगे, टॉर्च कैसे आप यहाँ पर लॉन्च करेंगे। इसमें आपको सभी तरीके का ऑप्शन दिया है, जिसे बटन शॉर्टकट कहते हैं। और बटन शॉर्टकट कैसे आप यूज़ करेंगे और इसे टॉर्च पर अप्लाई कैसे करेंगे, किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। उससे पहले एक बात और कह चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप देख रहे हैं ए टू जेड टिप्स ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने से इंटरफेस आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है, एडिशन सेटिंग पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है बटन शॉर्टकट, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन है टर्न ऑन टॉर्च, इस पर क्लिक करना है। अब है डबल प्रेस द पावर बटन का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये थोड़ा दूसरा बताती हूँ, सबसे ईजी लगेगा ये। लो प्रेस द होम बटन, इस पर क्लिक करना है। होम बटन को लो प्रेस करना है, तब भी आपका टॉर्च है ये इनेबल हो चुका है। जैसे कि आप देख पाए हैं टॉर्च जो है यहाँ पर ऑन हो चुका है, यहाँ से यूज़ कर लेना है। अब इसे बंद करना है तो पावर बटन पे क्लिक कर देंगे आप तो ये बंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन का ऑप्शन मिला है, मेनू बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तब भी आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। ऑफ करना है, पावर बटन पे क्लिक कर देंगे आप तो ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग प्रेस द बैक बटन का ऑप्शन है, डिस्प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, तब भी आपका टॉर्च जो है इनेबल हो जाएगा। तो किसी एक को इनेबल करना है और उसका इस्तेमाल कर लेना है। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।